नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संगम चौधरी और आपके अपने YouTube चैनल संगम जी टेक्निकल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि Facebook का जो मतलब पेज होता है उसको कैसे डिलीट किया जाता है बहुत ही सिंपल और आसान तरीके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ नया सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से फेसबुक पेज डिलीट किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, अपना फेसबुक ओपन कर लेना है। ठीक है, फेसबुक जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों, आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से ही इंटरफेस खुलकर चला आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि ये जो आप लोग देख रहे हैं यह फेसबुक पेज नहीं है। ठीक है, यह मतलब फेसबुक का मतलब जो आईडी होती है वो चलाया जाता हुआ वाला फेसबुक पेज है। सिंपल से आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन आने के बाद आप लोग सबसे पहले पेज सिलेक्ट कर लेना है, उस पेज को सिलेक्ट करना है जिस पेज को आप लोगों को डिलीट करना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पेज है या पेज है और हम इसको देख रहे हैं जो नीचे वाला यह वाला है, इसी को हम डिलीट करके आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, तो सिंपल से इसी पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सीज टू प्रोफाइल मतलब पेज वाले पेज पर आ चुके हैं हम। ठीक है, सिंपल से आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना, फिर से क्लिक करने के बाद सबसे पहले नीचे आना आप लोगों को। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार से खुलेगा, फिर से क्या करना है आप लोगों को सेटिंग पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पर मिलेगा पेज सेटिंग का ऑप्शन। सिंपल से इसी पेज सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पेज सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने का कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने इंटरफेस खुलकर चला आएगा, जो यहाँ पर पेज से रिलेटेड सारी कुछ जानकारी यहाँ पर दिया रहेगा, कैसे क्या क्या किया जाता है सब कुछ यहाँ पर डिटेल दिया रहेगा। धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करते आना है और आपको सिंपल से नीचे आते समय यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं कि पेज इन्फॉर्मेशन में आएंगे, पेज इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा एक्सेस एंड कंट्रोल का ऑप्शन। ठीक है, जैसे ही एक्सेस एंड कंट्रोल का ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो दोस्तों क्लिक करने के बाद सिंपल से आप लोगों का इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर चला आएगा और यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन का ऑप्शन मिलेगा, टेम्परेली डीएक्टिवेट और परमानेंटली डिलीट योर पेज। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को सिंपल से यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आप लोग को सिंपल से देख सकते हैं कि यहाँ पर डीएक्टिवेट कर सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इसी पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों के बाद सिंपल से इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डीएक्टिवेट पेज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से पेज को डीएक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग पेज को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हमें पेज को मान लीजिए डिलीट करना है तो डिलीट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद आप लोग यहाँ पर मतलब बता देना है कि मतलब किस वजह से आप लोग मतलब इसको डिलीट करना चाहते हैं, आप लोग बताना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि हम आपको बता दे रहे हैं, मतलब आई नो लॉन्गर फेसबुक यूजफुल, मुझे कोई भी कारण दे सकते हैं दोस्तों, हम इसको दे दे रहे हैं, मान लीजिए इसी को हम ले लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, करने के बाद आप लोग सामने यहाँ पर बताया जा रहा है कि मतलब जो भी यहाँ पर सब कुछ कनेक्ट है वो मतलब सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से कंटिन्यू आगे आते रहेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड है और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर है और इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी कुछ पोस्ट है या कुछ भी है सारा कुछ यहाँ से डिलीट हो जाएगा, या तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए नहीं तो आपका मतलब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ सिंपल से यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड में यहाँ पर पासवर्ड अपना डाल देंगे। ठीक है, पासवर्ड डाल देते हैं हम। तो दोस्तों पासवर्ड जैसे ही हम डाल के सबमिट करेंगे तो दोस्तों आप लोग के सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि डिलीट का ऑप्शन आ चुका है, डिलीट संगम चौधरी पेज एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल से इसी पर कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू पर करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ चुका है। डिलीट पेज पर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप लोग सामने देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, डिलीट पर क्लिक करने के बाद आप लोग सामने देख सकते हैं कि है कि पेज यहाँ पर डिलीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं स्विच कर चुके हैं हम अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर अब आप लोग कोने में डाट पर आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पर पेज नहीं है, यहाँ से पेज गायब हो चुका है। तो दोस्तों यह वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया, कुछ नया सीखने को मिला है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग आप लोग वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।